हाथ में हो तेरा हाथ अगर तो हर मुश्किल को पार करूं, कश्ती भले ही डूबे मेरी। यहाँ पर हम लोगों ने आज ले लिया, ये सुबह सुबह मिल गया केतारी का जूस, बहुत दिन बाद गन्ने का रस, केतारी का जूस, गन्ने का रस, आग का, आग का जूस, इक्का बंगाली में आग बोलते हैं। आज अभी पियेंगे ये, बहुत टाइम बाद भाई मिला, बहुत टाइम बाद। मैं मेरा जहाँ घर है वहाँ पर तो मिलता ही नहीं है, डब का मिलता है लेकिन ये वाला तो आता नहीं है। वैसे ब्लॉग का मजा भी ले रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉग अपना ब्लॉग चल रहा है, आज जो अपलोड हुआ है उसी का। बाकी अभी नेक्स्ट वाला ब्लॉग जो आएगा वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए जो अभी तक नहीं किया है, तब तो देखेंगे आप लोग। What's up everyone? So welcome back to my another vlog, और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज फिर से हम लोग वही विद द सेम एनर्जी एंड विद द सेम फुल पावर गाइस हम लोग शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और कल तो हम लोग गए थे दक्षिणेश्वर, वो वाला ब्लॉग अभी तक आप लोग देख लिए होंगे, अपलोड तो हो गया होगा ऑफकोर्स, तो आप लोग देख लिए होंगे। और ये वाला ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ फिर नेक्स्ट दिन से। कल शाम वैसे कुछ गया नहीं कहीं क्योंकि बारिश होने लगा था, तो इसीलिए कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। आज फिर से एक नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है इसी बात पे। और आज हमारा है यहाँ पर तीसरा दिन, मतलब मेरे दोस्त के घर में तीसरा दिन है, तो हम लोग अभी चिकन बनाने का सोच रहे गाइस। अभी जाएंगे चिकन विकन लाने, आज पूरा फुल देसी ब्लॉग बनेगा, फुल घर में बनाएंगे चिकन, तो मजा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग आगे गाइस। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं चिकन लेने के लिए, अब ये जरूरी फॉर्मेलिटी करना पड़ता है नीचे उतरने टाइम, बेकार फॉर्मेलिटी है लेकिन क्या करें, टाइम कितना होगा, सिक्योरिटी पे जाने नहीं देंगे। देखो घड़ी नहीं ऑन हो रहा, क्या टाइम लिखेगा तुम तो इन में लिख दी भाई, आउट में लिखना होगा, एक ही बात आके आउट हो जाना। चलो लेट्स गो गाइस, चलते हैं हम लोग मुर्गा खरीदने, मुर्गा मुर्गा की मुर्गी हुए जो मिलेगा गाइस वही उठा लेंगे, काटने से मतलब है और खाने से मतलब है। और हम लोग आज अचानक सडन प्लान हो गया गाइस चिकन और चावल खाने का, और हमारे यहाँ दो आदित्य आएंगे अभी जिससे आप मिल चुके हैं, फुल मजे करेंगे हम लोग अभी। आपको आज आपको आज रेसिपी दिखाता है बनाने का हमारे शेफ के द्वारा एक एक सिर्फ अभी हजारी बाग में है, वो हम लोग का मास्टर सेफ है, ये हम लोग का मास्टर सेफ का थोड़ा जूनियर सेफ है, तो मास्टर सेफ हम लोग का नहीं है अभी, हजारी बाग में है, और हजारी बाग से आएगा तो एक बार फिर मास्टर सेफ वाला रेसिपी दिखाएंगे। ये स्कूल है यहाँ पर, ये यात्रा गाछी का, और यहाँ पर तो आपका वो मंदिर भी है, यहाँ पर होता है अष्टम पहर होता है, हम लोग बंगाली में बोलते हैं कीर्तन, मतलब कीर्तन होता है यहाँ पर, आए थे एक बार हम लोग बहुत पहले, मस्त देता है गाइस पूरी सब्जी ये वो कुछ कुछ देते रहता है। हम लोग अभी जा रहे आदित्य मिश्रा के घर, रूम से होते हुए उसको टांग के हम लोग जाएंगे चिकन लेने के लिए। मिश्रा जी ऑनलाइन, मिश्रा जी ऑनलाइन, प्रणाम प्रणाम, चलिए मिश्रा जी चिकन लेने चलते हैं। इधर गाइस देखिए ये इतना बड़ा झील है और इधर नाली है गाइस, आपके पसंद से आप चल जाइए जिसमें जाना है आपको नहाने के लिए। वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंजेस गाइस, झील नाली नाली और झील। और बाकी हम लोग यहाँ पर धूप में जा रहे हैं चिकन खाने का डेडिकेशन, वाओ। हम लोग अभी जो रास्ते से जा रहे हैं ये वाला रास्ता है आपका जातरागाछी फ्लाईओवर, ये वाला भी न्यूटाउन में जाके कनेक्ट होता है, न्यूटाउन में कनेक्ट नहीं होता, न्यूटाउन का साइड में एक है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एरिया का, वहाँ जाके कनेक्ट होता है। कितना दूर है रे, ओ माई गॉड गाइस, देख रहे ना डेडिकेशन चिकन खाने का, इतना धूप में हम लोग जा रहे हैं चिकन लाने के लिए। गाइस कंटेंट बनाना है, ऑनलाइन में ऑर्डर करने का डिसीजन था लेकिन शुभम बोला कि आप लोग को दिखाया जाए हम लोग चिकन कहाँ से लाते हैं, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं चिकन लाने के लिए। हम लोग का ऑडियंस हम लोग के लिए प्यारा है, तो हम लोग चिकन दिखाने जा रहे हैं चिकन कहाँ से लाते हैं, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले थे। अब सोचिए कितना मेहनत कर रहे हैं कंटेंट बनाने के लिए ना, धूप में कंटेंट बनाते हैं हम लोग, इधर कंटेंट ज़्यादा जरूरी है, ऑनलाइन कौन ऑर्डर करता है, मतलब हम ही लोग करते हैं लेकिन आज नहीं किए। गाइस ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है ये बड़ा मस्त चीज़ दिखा मुझे अभी जाते जाते, ये भाई नाला जो है यहाँ पर पार करने के लिए यूज़ कर रहा है
मस्त ये वाला जो रस्सी दिख रहा आपको बीच से टाई किया हुआ है वो उसको पकड़ के एकदम इधर से उधर जा रहा है मस्त। अभी देखे साइकिल वाइकिल ले गया, देखे आप देख रहे हैं साइकिल लेके जा रहा है वहाँ से मस्त। साइकिल वाइकिल बाइक वाइक पार्क कीजिए मस्त। देखे वही रस्सी पकड़ के इधर से उधर आ रहा मस्त चीज़ है गाइज। वाह क्या टेक्निक है इधर से उधर जाने का। गाइज मिल गया यहाँ पर हमें चिकन का दुकान खुला हुआ एक, वहाँ पर सामने वाला जो था वो बंद हो गया उसका दुकानदार चल गया 12 बजे। ये मिल गया हमें, मिल गया गाइज किस्मत है मतलब आज खा के ही मानेंगे हम लोग इसीलिए मिल गया। चिकन का रेट गाइज खतरनाक चल रहा है 260 रुपया ऐसा खुला वाला ना रे 270 खुला वाला 270 खुला वाला और गोटा मतलब कटवाता है तो 170। आपके यहाँ चिकन का कितना रेट चल रहा है ये कमेंट पे बताइए जरूर, हमें फर्क तो पता चलना चाहिए हमारा यहाँ रेट ज़्यादा है कि आपके यहाँ रेट ज़्यादा है। कटवाता है चिकन और फिर लेके चलते हैं, आप लोगों को लाइव मर्डर नहीं दिखाएंगे गाइस, हिंसा नहीं चाहते हम लोग व्लॉग में। ओहो गाइस मैंने अभी ध्यान दिया ये यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, जगह जगह पर ऐसा बना के रखा है आप देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ब्रिज बना के रख दिया जगह जगह और मस्त वहाँ पर वो ऑपरेट कर रही है, हाथ से ही ऑपरेट हो रहा है मस्त। 10-20 रुपया हमको लगता है इधर से उधर करने के लिए। मैंने अभी ध्यान दिया, मुझे लगा बस एक जगह वहीं पर, लेकिन जगह जगह पर ही बना के रखा हुआ है, इधर वाला पे है नहीं अभी कोई, इस पे है। अब आइए मस्त इधर से उधर कीजिए 10-20 रुपया देके। अच्छा है, चाहते तो ये पूरा ब्रिज भी कंप्लीट कर सकते थे पर धंधा नहीं होगा ना फिर ब्रिज कंप्लीट करने से, इसीलिए वैसा है। चिकन लेके हम लोग आ गए मस्त, फ्रेम आउट चिकन ठीक है उधर चिकन घर का मालिक ही सब कुछ करेगा, बर्तन भी धोएगा चिकन भी बनाएगा, हम लोग बस खाली खाएंगे। यहाँ पर हम लोग अभी तो चावल यहाँ पर चढ़ा दिया सुबह और ये चिकन भी धो लिया हम लोग, हम रेसिपी जल्दी से चालू करते हैं गाइस, आपको फुल रेसिपी दिखाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। ए मिस मत करवाना एक भी सब दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना स्टाइल का दिखाएंगे। हॉस्टल लाइफ में हम लोग चिकन कैसे बनाते हैं, ये जो आज हम लोग रेसिपी दिखाने वाले हैं ये अपना रिस्क पे आप लोग बनाइएगा, ये हम लोग खुद बना रहे हैं यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। दिस स्टंट्स आर परफॉर्म अंडर सुपरविजन, सो इसलिए गाइस अपना रिस्क पे आप लोग बनाइएगा, ये रेसिपी फॉलो मतलब अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा बाकी मत कीजिएगा, बाकी हम लोग अपना दिखा रहे हैं हम लोग हॉस्टल लाइफ में कैसे बनाते हैं। रुकना वो सिनेमैटिक गाइस अभी ट्रेन का हॉर्न ऐसा प्रैक्टिस आप लोगों ने देखा कभी, यहाँ पर ट्रेन का हॉर्न का प्रैक्टिस चल रहा है। ट्रेन का हॉर्न का जो कॉन्सेप्ट था वो मिस्टर आदित्य शशि का था, फटे हुए ट्रेन का हॉर्न ये जब ट्रेन का हालत गंभीर हो जाता है उस समय का हॉर्न है। रेसिपी अभी बस स्टार्ट हो गया है हम लोग का, यहाँ तेल डाल दिया गया है, यहाँ प्याज कट गया है, यहाँ चिकन रेडी है, यहाँ मिर्चा कटेगा ठीक है। सबसे पहले यहाँ तेज पत्ता डाल दिया है, एकदम गोटा तेज पत्ता, अब यहाँ बारीकी से काटा जा रहा है मिर्चा को स्वाद अनुसार जीरा, उसके बाद जीरा डाला है और अब प्याज, और अब इसको भुना जाएगा एकदम डीप फ्राई। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट अपना ऐड कर दिया गया, मतलब 3 पैकेट देते भाई, प्याज भी थोड़ा थोड़ा पक गया है, गर्मी भी नहीं ज्यादा देने दे दे दो अब थोड़ा मिलाया जाए, अब पकने के लिए थोड़ा जाए फिर चिकन मिलाएंगे हम लोग। अब थोड़ा सा पानी डाल दिया गया मसाला में दे दे, और हम लोग डालेंगे चिकन को, डाला जाए चिकन को तो इसको मिला लेते हैं अच्छे से हम लोग मसाला के साथ। आगे सर नहा के मस्त एकदम डिस्पोजल लेके आए हैं और साथ में थम, अरे बाबा कोकोकोला लेके आए हैं कोकोकोला।
ये दे दिया यहाँ पर चढ़ा के, अब पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब फिर हम लोग सीधे अब खाएंगे। अब ओहो गाइस, रंग आ रहा, स्मेल भी आ रहा है मस्त एकदम। आज तो पूरा मजा आएगा। दो सेफ मिलकर बना रहा, देखिए दो सेफ मिलकर बना रहा, इधर सिविल का सेफ है और सीएससी का सेफ को तो आप जानते हैं कौन है। तो चिकन पक जाने के बाद हम लोग कढ़ाई को हम लोग गैस स्टोव से उतार लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं खाने के लिए। गाइस यहाँ पर हम लोगों ने देखा चिकन और भाई क्या रंग आया था चिकन में, वो पूरा लाल एकदम भाई, फुल लाल आया था। और गाइस स्मेल भी बहुत अच्छा रहा था, काफी अच्छे से पका था चिकन। हम लोग खाने बैठ जाते हैं सब कोई दोस्त लोग मिल के, और यहाँ पर चला देता है मेरा दोस्त ये गाना चला देता है यहाँ पर, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है वरना अभी कॉपीराइट आ जाता। सो गाइस हम लोग सबको यहाँ बैठते हैं, चिकन इंजॉय करते हैं सब, हम लोग खाते हैं। और फिर खाना इतना हैवी रहता है अपना कि अब हम लोग को सोना पड़ जाता है खाना खा के। तो गाइस हम लोग भाई चिकन खा के एकदम सो गए थे दोपहर में, इतना थक गए थे सुबह से मेहनत कर रहे थे चिकन बनाने में। मैंने नहीं किया मेहनत, सेफ नहीं किया था मेहनत, लेकिन मैंने खाने में मेहनत किया। तो उसके बाद सो गए खा के सेफ। यस यही है लड़का है और वो लड़का है। ये लोग दोनों बनाए आज का चिकन, मस्त बना था, अच्छा बना था, खराब नहीं बोल सकता ना, इसीलिए पब्लिक के सामने अच्छा बोलना पड़ता है, इसीलिए अच्छा ही बना था। नहीं गाइस सही में अच्छा ही बना था, हड़बड़ी में बना, जो जैसा ही बना अच्छा ही बना था। तो खाए हम लोग सो गए और अभी शाम में निकले थे घूमने के लिए, और अभी तो हो गया रात, अभी डिनर के लिए हम लोग रोटी वोटी पैक करवा रहे हैं यहाँ पर, मार्केट है हम लोग यहाँ पर। और मेरा दोस्त मिश्रा जी हम से वो रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, वो बोले कि तुम्हारा ब्लॉग अजेंड करते हैं शायर के साथ, शायर बोल के। तो मिश्रा जी शायर सुनाना चाहेंगे आप? शायर तुमको बोलेंगे ना, वही तो। हाँ तो शायर जी थोड़ा शायरी सुनाइए, हम इस जोन में नहीं है ना, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, माफ कर दीजिएगा गाइस। अच्छा तो कैसा सुना है, प्यार वाला, सैड वाला? प्यार वाला यार, पब्लिक को प्यार देना है, प्यार वाला जी सुनाया जाए। ये शायरी पब्लिक को डेडिकेट करेंगे हम। अच्छा पब्लिक को कैसे, मतलब इंसान को प्यार करेंगे वैसा शायरी, मतलब ठीक है, मतलब सब पब्लिक के लिए हुआ। इंडिविजुअल ले लीजिए, हाँ सब अपना ले लीजिएगा आप लोग, आप सबके लिए। हाथ में हो तेरा हाथ अगर तो हर मुश्किल को पार करूं, कश्ती भले ही डूबे मेरी लहरों को चीर किनारे आऊं, गुमसुम सी मेरी दुनिया है तेरा आना रौनक है, तेरे पायल की छन छन ही मेरी खुशियों की दस्तक है। मैं भले ही भूलूं दुनिया को तुझे याद हरदम करता हूं, कुछ और नहीं कहना है मुझे बस इतना तुम पे मरता हूं, कुछ और नहीं कहना है मुझे बस इतना तुम पे मरता हूं। वाह गाइस ताली तो बनता है। वाह शायर जी का, आप लोगों ने शायरी सुना, और भाई बहुत अच्छा शायरी बोलता है, मतलब खुद से ही लिखता है। तो आगे तो ब्लॉग जाते रहेंगे उसमें आपको शायरी सुनाते रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही बंदा। हाँ चोरी नहीं होना चाहिए वरना कॉपीराइट आ जाएगा यार, अपना लिखा हुआ है, चोरी मत करना कोई, एकदम पेटेंट है, पेटेंट मिश्रा जी का पेटेंट है। तो इसी के साथ गाइस हम लोग आज का ब्लॉग खत्म करते हैं यहीं पर, और फिर आपसे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।